बच्चे ये नेशनल लेवल पर तभी हम इस अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मसला है आज के दौर में, इससे बाहर आएंगे। मैं पिछले 40 साल से यहाँ कश्मीर के हवाले से सीखी हैं, बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारे मुसीबत उठाई हैं, बहुत सारे हालात से जूझ रहे हैं और देखा है कि सब लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हों, सबको एड्रेस किया जाए। पहले मैंने देखा क्योंकि तालीम की शरह बहुत कम थी, परसेंटेज बहुत कम थी, अब ये बहुत मुश्किल है। जब तक ना हम जो भी हमारा रिसोर्स जनरेट ना, हालात भी आएंगे, कुछ इश्यूज भी आएंगे, ये मिलकर पॉलिसी बनती है। हमने एक नेशनल लेवल पर पॉलिसी बनाई थी, पहले इन्होंने फाउंडेशन ने इस पर काम किया, खुशी हुई, अभी तक हमें मालूम नहीं था, हमें आज पता चला कि फाउंडेशन इस पर बात कर रही है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहां एम्प्लॉयमेंट तो है, सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयज है, लेकिन चाहे वो ब्लू कॉलर हो चाहे वो वाइट। एज अ वाइस चेयरमैन सर्विस नेशंस में अपनी खिदमत अंजाम देता हूँ और हमारे साथ है हमारे डॉक्टर कौशिक साहब और डॉक्टर कौशिक साहब, जिनको आपने सुना, तो मेरा तो अब बोलना ज़्यादा नहीं। जो एम्पावरमेंट जो हमने इनिशिएटिव लिया था पिछले 15 साल से, हम इसी पे काम कर रहे हैं। हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन में हैं, एक है सर्विंग नेशन, दूसरी है बसेरा दफू और तीसरी कश्मीर कंसर्न।